अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर आप इस समय देख रहे हैं हमारा नेशनल पावर टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने लाइव आकर के आप लोगों को अपना सीएमएस नंबर आईएमए रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए बोला था, और साथ के साथ जो है आप लोगों को एक इतला दी थी कल के वीडियो में कि आप अपना जो है वेरिफिकेशन करना है करके। और थोड़े लोगों को मैंने मदद भी किया, उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया, मैंने लाइव जो है चेक भी किया आपके अकाउंट्स को, सब कुछ किया, लेकिन मैं हर एक आईएमए के इन्वेस्टर्स की मदद नहीं कर पा रहा था। यही वजह है मैंने बहुत सारे लोगों के जो है प्रॉब्लम्स देखे, जहाँ पे किसी का बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, जहाँ पे किसी का अगर बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम अगर ठीक से नहीं किया तो उनको पैसा नहीं आएगा, या तो किसी का एडिशनल ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आया है, या तो किसी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आया है। तो यही वजह है मैं कि आपके सामने आया हूँ। अब आपको आज मैं डिटेल में आप खुद जो है कैसे अपना सीएमएस नंबर डाल के या तो क्लाइंट आईडी डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये मैं आपको तरीका लाइव इस यूट्यूब वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो है वेबसाइट में जाके, आईएमए की क्लेम्स की वेबसाइट है एक, उसकी वेबसाइट के लिंक मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वहां से आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। तो आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा कि आप खुद कैसे वेरिफिकेशन करना है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो कैसे वो आपको समझ में आएगा। ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। वो समझने के बाद अगर आपके अकाउंट में कोई भी गड़बड़ है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जा करके उसको ठीक करा लें। मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अभी हम सीधे जो है वेबसाइट पर चलते हैं। मैं आपके सामने जो है वेबसाइट के डिटेल्स ओपन करके बताऊँगा कि कैसे करना है करके। देखिए, आप पहले तो जो है गूगल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आईएमए क्लेम्स करके डालेंगे, उसके बाद इस पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आईएमए क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम करके एक वेबसाइट जो है दिखाई देगी, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ऑप्शंस आएंगे आपको, बराबर ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में जाके यहाँ पे ये पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, ये क्लेम सबमिशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नो योर क्लेम स्टेटस दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट की लिंक जो है ये मैं आपको सेपरेटली कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको गूगल में ही जाके सर्च करके ये वेबसाइट पे ये लिंक पे आना है, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट खुल गई। ये वेबसाइट खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू मोड्स इन विच यू वॉन्ट टू नो क्लेम स्टेटस करके दिखाई दे रहा है, बराबर। यहां पे आपको सीएमएस नंबर पे क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? सीएमएस नंबर पे। यहां पे आपको क्या करना है, अपना सीएमएस नंबर डालना है। मैं यहां पे किसी ना किसी का एक का सीएमएस नंबर जो है यहां पे डालकर आपको बता देता हूं इंशाल्लाह। ये देखिए सीएमएस नंबर मैं आपका चेक करके बताऊंगा। ये देखिए 132704, इसको मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऐसे आपको स्टेटस जो है दिखाई देगा, बराबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। आप इसको बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए ओल्ड सीएमएस नंबर, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेटेस्ट सीएमएस नंबर, उसको छोड़ दीजिए। वो सीएमएस नंबर ये है जो हमने डाला था। अकाउंट नंबर ये है। स्कीम टाइप सीसीएस है। फिर क्लाइंट कस्टमर आईडी नंबर, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका कस्टमर आईडी नंबर आईएमए के तरफ से, अगर आप सीसीएस के कस्टमर हैं
तो IMA की पासबुक में दिखाई देगा। ये मैं क्यों ये नंबर बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिसके पास CMS नंबर नहीं है वो क्लाइंट आईडी या कस्टमर आईडी को क्लिक करके वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे यही फाइल आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि ई ऑथेंटिकेशन की जगह यहाँ पे NA लिखा है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का CMS नंबर यहाँ डालेंगे, डालने के बाद आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ देखेंगे तो ई ऑथेंटिकेशन के पास आपको NA दिखाई देगा, तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। एडिशनल ऑथेंटिकेशन के नीचे देखिए क्या है, अगर NA लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की जगह सक्सेस लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जगह अप्रूव्ड लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर क्लेम अमाउंट आपको पता लगाना है आपने कितना क्लेम किया है, ये जिसने भी जिसका भी ये CMS नंबर है उनको उनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये का है इसलिए यहाँ पर 2 लाख दिखा रहा है। उन्होंने कितना पैसा जो है डिपॉजिट किया था 2 लाख रुपये। अब इन्होंने पैसा कितना जो है विड्रॉ कर लिया बीच में, 0 है, इन्होंने कोई बीच में पैसा विड्रॉ नहीं किया। लेकिन इनको प्रॉफिट कितना आया है 39,265 रुपीज़। इनका क्लेम अमाउंट कितना बचता है, इनको आना कितना बाकी है 1,60,735 रुपीज़ इनको आना बाकी है, यानी कि 1,60,000 रुपये चिल्लर इनको आना बाकी है। अब इनको जो है ये छोड़ दीजिए, ये अभी नया कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये जो है इसको आप गौर मत करिए, ये 50,000 इनको देंगे करके जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो चुका है। इनका ये अमाउंट जो है बदल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं 50,000, ये ज़्यादातर हर एक IMA के इन्वेस्टर को ये 50,000 या तो 50 से कम दिखाई देगा, उसको इग्नोर करिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एडहॉक जो चीज़ है ये भी जो है हट जाएगा, नया ऑर्डर जो आएगा फ्रिक्शन फार्मूला वो जो है अलग है। तो ये ऑर्डर, ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं करना है। बैंक अकाउंट यहाँ पे कैनरा बैंक दिखाई दे रहा है बराबर, और यहाँ पे IFSC कोड वगैरह वगैरह लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे सक्सेस बोल के दिखाएगा सब कुछ, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सब कुछ ठीक ठाक है। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों अब मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि आपको क्लाइंट आईडी डाल करके आपको यही वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा सेम अकाउंट का, ठीक है। आप कैसे करके दिखाना है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए अगर आपके पास CMS नंबर नहीं है मान लो, ठीक है, आप सीधे इस वेबसाइट पर फिर से जाएंगे, जा करके यहाँ पर क्लाइंट कस्टमर आईडी पे क्लिक करेंगे। ये कस्टमर CCS का मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आपके पास पासबुक होगी उसमें नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे डालिए, ठीक है। नंबर यहाँ पे डालने के बाद सर्च करिए तो सेम वही चीज़ स्टेटस यहाँ पे आ जाए। आपको CMS नंबर है तो CMS नंबर से भी चेक कर सकते हैं, कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास LLP का है और LLP का डालना है, तो मेरे पास LLP का किसी का एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे IMACL करके बोल के एक आईडी आती है, वो आपके पासबुक में होगा, उसको यहाँ पे टाइप करके डाल के सर्च कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब रही बात, मैं आप लोगों को जो है दूसरी चीज़ एक बता देना चाहता हूँ, CMS नंबर डाल के दूसरा एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। ये देखिए ये प्रॉब्लम है, किसी का एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एक दूसरा CMS डाल के दिखाया, जैसे ही मैंने CMS नंबर डाला, देखिए यहाँ पे ई अटेस्टेशन ठीक है बराबर, एडिशनल ऑथेंटिकेशन ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की जगह इनकरेक्ट क्लिक हियर टू अपडेट बैंक डिटेल्स करके है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके बैंक अकाउंट के डिटेल्स को ठीक कर ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इसको करना नहीं आता है इंशाल्लाह। अब जिसका बैंक अकाउंट जो है ठीक करना है ऑनलाइन, किसी को नहीं आता है इंशाल्लाह, मैं अगला वीडियो का इंतज़ार करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन मदद करूँगा ये ठीक करने के लिए। लेकिन ये ठीक करने के लिए हमारी टीम आपसे ऑफिशियल फ़ीस लेगी, क्योंकि किसी को भी मैं सैलरी देकर के किसी को बिठाऊँगा तो ये अकाउंट बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका अगर ऑनलाइन ठीक करवा के देना है तो उसको आपको पैसे देने होंगे, या तो आप खुद जो है फ्री में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
कि ऑफिस में जाइए, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के सामने, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने थर्ड फ्लोर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस है, वहाँ पे भी जाके क्लिक ठीक करा सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन खुद भी अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से या साइबर कैफे में जाके कर सकते हैं, मोबाइल से शायद मुश्किल है, कोशिश मत करिएगा। या तो आप हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हैं, जो भी सपोर्ट लेना है वो पैसे दे करके करा सकते हैं। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा है, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पेंडिंग दिखाई देता है। इसका भी मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ इंशाल्लाह। तो अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 लाख इनका कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ 90,000 इनको आ चुके हैं, 2,09,000 कुछ वापस आना है इनको, बाकी है इसका, इनका कर्नाटका बैंक अकाउंट है। तो ये रहा एग्जाम्पल, अगर किसी का बैंक अकाउंट प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, ये बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की जगह यहाँ दिखाई देगा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं दूसरा आप लोगों के सामने में लेके चलता हूँ, आइडेंटिटी। अब मैं किसी और का CMS नंबर में यहाँ पे जो है डाल करके चेक करना चाहता हूँ, 279388। ये देखिए 279 379 388 388। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नीचे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो आपको इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, आपको सीधे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जाना है, शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है थर्ड फ्लोर में, वहाँ पे जाके अपना आइडेंटिटी, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, अपना पैन कार्ड लेके जाइए, तमाम आपके डॉक्यूमेंट IMA के जितने भी प्रूफ्स हैं वो लेके जाइए, बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए और इस काम को ठीक करवा के लेके आइए। अब जो है एक और मैं आप लोगों के सामने जो है चीज़ बता देता हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल। अब देखिए, एक और एक मेरे पास एक बहन का एक एग्जाम्पल है, थेरी एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, एडिशनल ऑथेंटिकेशन का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, 165471। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन एडिशनल ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है। तो इनको क्या करना है, इनको भी जो है ऐसे इन्वेस्टरों को भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाना है, बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है लेकिन इनको एडिशनल ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाना है। तो ये रहा मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो आप खुद अपने आप जो है खुद चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी ये चेक कर सकते हैं। IMA की क्लेम्स की वेबसाइट में गूगल में जाइए, गूगल में जाके सर्च करिए IMA क्लेम्स, वहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई देगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में नीचे जो है मैंने वो वेबसाइट की लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, अपना CMS नंबर या तो कस्टमर ID या क्लाइंट ID डालिए और जो भी ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है उसको क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप लोगों से आजीजाना गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताउन करें, हमारा डोनेशन दें हमारे इस चैनल को। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर 9880324059। आप लोगों से आजीजाना गुजारिश है कि हमारा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हाँ, अगर फिर भी देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इसको कर रहे हैं, वेरिफिकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं, क्योंकि 60,000 इन्वेस्टर्स हैं इसमें, मैं हर लोगों की मदद तो नहीं कर सकता, इसकी वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। आप प्लीज़ कोशिश करें कि खुद करें, नहीं समझ में आता है तो किसी नज़दीक के इंटरनेट सेंटर में जाइए, साइबर कैफ़े में जाइए, नहीं तो अपने दोस्त कोई भी हैं उनको CMS नंबर दे के हमारा ये वीडियो, मेरा ये जो वीडियो है ये उनको दिखा दीजिए, वो देख करके जो है ये वीडियो को आपको ज़रूर जो है आपका क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे। नहीं फिर भी फरहान रशीद भाई, हम आपसे कराना चाहते हैं, आपसे एक बार तसल्ली करना चाहते हैं,
तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जितने लोगों की हो सकता है उतने लोगों की जो है मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें और इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, शेयर करिए जरूरी है, वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है। आपका फरहान रशीद। जाने से पहले एक और बात, हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।